गूगल की एक ऐसी ट्रिक जो कि आपके काम आएगी किसी भी तरह के रिसर्च को फिल्टर आउट करने में। इससे होगा क्या कि आपको पूरा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा और साथ ही साथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, यानी कि चाहे वो यूट्यूब के वीडियोस हो, थंबनेल्स हो, इमेजेस हो, या और भी बहुत कुछ जो सर्च रिजल्ट में गूगल में आ जाता है, उन सबको अवॉइड करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोटपैड पे कुछ सर्च से रिलेटेड गूगल का टाइप किया हुआ है। ये है क्या, ये एक ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी इंक्वायरी को फिल्टर आउट कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। यहाँ पर परसेंटेज एस लिखा हुआ है। सिंपल मेथड बताऊँगा जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से हटा कर यहाँ पर लिख दूँ, एक्सेल कोर्सेस, परसेंटेज एस को हटाना है और यहाँ पर सिंपली ये करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर गूगल का जो क्रोम है उसके ब्राउज़र में सर्च रिजल्ट में जाकर सिंपली इसको एंटर करके एंटर कर देते हैं। इसके बाद अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर रिजल्ट आ रहा है, एक्सेल कोर्सेज भी लिखा आ रहा है और यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो विद लिंक, यानी कि जो वेबसाइट्स हैं उन्हीं का डायरेक्ट लिंक आ रहा है। यहाँ पर कोई अदर इमेज नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस नहीं है। वेबसाइट तो हैं बट वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस नहीं आपको नज़र आएंगी, यानी कि पूरा फिल्टर आउट करके एक प्रॉपर रिज़ल्ट दे रहा है। इसके लिए आप यहाँ पर भी सेम चीज़ इंक्वायरी टाइप करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक्सेल कोर्सेज टाइप करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ एक्सेल रिजल्ट टाइप किया है, नॉर्मल इंक्वायरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस आ गई, कोर्सेज आ गई, एड्स आ गए, यूट्यूब वीडियोस आ गई। तो इस तरीके से ये फिल्टर आउट होकर नहीं आता। अगर आप इस मेथड का जो कि मैं नोटपैड में बनाकर दिखाया उसका यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करके सिंपल वेबसाइट के लिंक देगा जिससे आपको पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मुझे नॉर्मल सर्च को यानी कि बिना इस कोडिंग के भी इसको यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च में यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस यहाँ पर जो मेन हमें ऑप्शन यूज़ करना है मोर पर क्लिक करने के बाद वो है वेब। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, वेब क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो सर्च में रिजल्ट आया है ये उसको फिल्टर आउट कर देता है। फिल्टर आउट करने से मतलब जैसा कि हमने नोटपैड पर फिल्टर लगाया था सर्च से रिलेटेड, वैसे ही ये अब इसके रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करके देगा। इसमें एडिशनल जो वीडियोज़ हैं, थंबनेल्स हैं, इमेजेस हैं, उनको ऑटोमेटिकली हटा देगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से इसने कोर्सेज हो गया, स्पॉन्सर एड्स वगैरह जो भी वीडियोस थी वो ऑलरेडी हट चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। अब अगर आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली अपने ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सर्च इंजन पर चले जाना है और यहाँ पर मैंने सर्च इंजन एंड साइट रिजल्ट्स में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको एक टॉपिक जो कि कंटेंट साइट सर्च होगा इस पर जाकर ऐड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉपअप बॉक्स आ चुका है। अब हम इसको नेम दे सकते हैं जैसे कि गूगल न्यू और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शॉर्टकट रखना चाहें वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो कोडिंग है जो हमने यहाँ पर नोटपैड पर टाइप की थी उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा जहाँ पर इंक्वायरी है मैं इसको डिलीट करके परसेंटेज एस डाल देता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप शॉर्टकट कुछ भी डाल सकते हो। अभी मैंने सेट नहीं किया उसी वजह से यहाँ पर ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैंने 5 डाल दिया, ऐड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और मेक डिफ़ॉल्ट पर जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट हो जाएगी। इसके बाद जो भी आप सर्च करोगे ये ऑटोमेटिकली उसके सर्च रिजल्ट को फिल्टर आउट करके देने लगेगा। इससे होगा क्या, आपका एक तो इंटरनेट कम कंज्यूम होगा और उसके साथ साथ आपको जो भी इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हो वो बिल्कुल ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ अलग अलग वेबसाइट और उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।